अंग्रेजों के शासन से बुरी बर्ताव कर रही है भाजपा सरकार। तरुण पटेल, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मध्य जोन के अध्यक्ष तरुण पटेल के नेतृत्व में 31 अक्टूबर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर किसान स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की थी। तरुण पटेल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया, द्वितीय चरण की यात्रा की शुरुआत 1 दिसंबर को शाहजहांपुर से हुई थी, जिसकी समाप्ति 15 दिसंबर को लखनऊ में हुई। काले कानून बनाए गए थे, ये तीनों काले कानून किसान के हित, और ये कहा कि आप यात्रा नहीं कर सकते हो, तो ये कौन सा कानून है कि भारत का संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि अपनी बात को हर आदमी स्वतंत्र कह सके। लेकिन ये भाजपा की सरकार किसानों की आवाज दबाना चाहती। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस की किसान स्वाभिमान यात्रा को जगह जगह पे रोड़े उत्पन्न किए जा रहे हैं। रायबरेली प्रशासन ने कल रायबरेली जनपद में किसान स्वाभिमान यात्रा को रोक दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के दौरान किसानों की समस्या को मजबूती से उठाया गया था, जिससे अंग्रेजों को झुकना पड़ा और अंग्रेजों को अपने कदम पीछे करने पड़े। आज भाजपा सरकार की हुकूमत अंग्रेज शासन जैसी हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा तीन काले कानून बनाए गए हैं, जिससे किसान परेशान है, और जब किसान अपनी बात उठाता है तो भाजपा सरकार द्वारा पुलिसिय उत्पीड़न के माध्यम से उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। तरुण पटेल हमारा नाम है, मैं किसान कांग्रेस का उत्तर प्रदेश मध्य जोन का अध्यक्ष हूँ। क्या है, किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आपकी? प्रेस वार्ता रोज का हम लोगों का क्रम है, किसान स्वाभिमान यात्रा पर हम लोग हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 145वें जन्मवर्ष पे निकाली गई यात्रा है 31 अक्टूबर से, और इस यात्रा को 15 दिसंबर तक चलना है। जैसा कि आप वर्तमान में देख रहे हैं, तीन काले कानूनों का पूरे देश का किसान और पूरे देश के किसानों को लीड कर रहा है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान। कहीं ना कहीं किसान एक बड़ी जमात है इस भारत की, और उस जमात ने नरेंद्र मोदी जी को उम्मीद के साथ वोट दिया। तो अब किसानों का नेतृत्व करने वाले पंजाब और हरियाणा के किसानों का कहना है कि अय मेरे भाषणवीर प्रधानमंत्री, अय मेरे बतौलेबाज प्रधानमंत्री, अय मेरे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री, आप लिख के दो कि MSP से नीचे की खरीद अगर होगी हमारे उपज की तो अपराध घोषित किया जाए। आप हमें समर्थन मूल्य देते हो, हमारे गेहूं से बना आटा, आटा से बना मैदा, मैदे से बना बिस्किट तो MRP में बिक जाता है, मगर हमारा समर्थन मूल्य हमें नहीं मिल पाता है, तो आपको लिख के देना पड़ेगा। और ये जो तीन काले कानून हैं, आप जून में इसको प्रकाशित करते हैं, फिर इसको ऑर्डिनेंस बनाते हैं, फिर बिल के रूप में आप सदन में लाते हैं और इसे दबाव से इसे पास कराते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप जो चाहेंगे वही होगा। और वर्तमान के प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं दबाव में, कनाडा के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भारत में लोकतंत्र है और मौलिक अधिकार है लोगों को कहने का, कनाडा के प्रधानमंत्री को समझ में आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं व्यापारियों के इशारे पर काम करने वाले श्री नरेंद्र मोदी की बात समझ में नहीं आ रही है। हम लोग कांग्रेस के ऐतिहासिक क्लब भवन में रायबरेली में मौजूद हैं और ये सच्ची बात है, और सच्चाई यही है कि इस समय किसान, मजदूर, निचला तबका परेशान है। कोरोना की आड़ में इन्हें परेशान किया जा रहा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।